नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। ठंड का मौसम आने के साथ ही क्षेत्र की सड़कें कोहरे में डूबने लगी हैं। इसके साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई है। पिछले कई सीजन कोहरे में भीषण सड़क दुर्घटनाओं के गवाह रहे हैं, इसमें कई की जाने जा चुकी है। इसीलिए आने वाले करीब 2 माह वाहन चालकों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। कोहरे के मौसम में छोटे बड़े वाहन चालकों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। कोहरे में विशेष सतर्कता की जरूरत है। कोहरे में डूबी सड़कों पर वाहनों को धीमा चलाने की हिदायत परिवहन विभाग की ओर से दी गई है। इसके साथ ही इंडिकेटर अथवा साइड बल्ब अवश्य जलाना चाहिए। एक बड़ा वाहन यदि आगे चल रहा हो तो उसके पीछे अन्य वाहनों को दूरी बनाकर कतारबद्ध चलाना चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं, हेलमेट का हमेशा प्रयोग करें। अधिक कोहरा हो अथवा सड़क नहीं दिखे तो वाहन चलाने से बचना चाहिए। कोहरे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों का दुरुस्त रहना भी आवश्यक है। ये है जिले दुर्घटना जोन। अमझरिया घाटी, सिसकरिया घाटी, कटपुलिया घाटी, चांपे घाटी, बोदा घाटी, जगलदगा टर्निंग, उदयपुरा मोड़, पक्की जंगल, सतनदिया जंगल, चोरमुंडा, चोरझरिया, जरी, नेतरहाट मार्ग। इस मौसम में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, इसीलिए गाड़ियों के आगे और पीछे रेडियम वाली पट्टी का प्रयोग कर लें। रास्ते में जहां भी अंधेरे का एहसास हो गाड़ी की हेडलाइट जला लें और तीखे मोड़ वाले स्थान पर चालक अनिवार्य तौर पर हॉर्न का प्रयोग करें। कोहरे के दौरान वाहन चलाना हमेशा ही चुनौतियों से भरा रहा है। इस दौरान चालकों को सावधानियों के साथ ओवरटेक से परहेज करना चाहिए। इंडिकेटर लाइट और समय पर हॉर्न का प्रयोग करते हुए कतारबद्ध होकर चलना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।